अंदर। तो फाइनली गाइस अभी लकड़ी तो हमने यार ट्रक पे रख दिया, चलो यार फ्रेंकिल पे चलते हैं यार, फटाफट से पहुंचा के आते हैं। यार मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा है अपने बॉस पे, फ्रेंकिल पे हमने इससे बोला भी था कि हम बस एक महीने तेरे यहाँ काम करेंगे, फ्रेंकिल भाई ये तो एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं हमसे। कोई बात नहीं सिंचन, हम इससे ना पैसे लेंगे, इसकी जो हम लकड़ी डिलीवर करने जा रहे हैं इसके भी पैसे लेंगे, और क्या लेंगे फ्रेंकिल भैया, उसके बाद तो पार्टी भी करेंगे आज। हाँ सिंचन आज तो भाई मूड बहुत अच्छा है मेरा, बढ़िया करके पार्टी करेंगे, बता कौन से रेस्टोरेंट में जाएगा। अरे यार फ्रेंकिल भाई कोई बढ़िया वाली में चलेंगे। यार सिंचन सही बता रहा हूँ, ट्रक चलाने में ना बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि इतनी भारी भारी लकड़ियां रखी हुई है ना इसके पीछे। अरे तो लाओ फ्रेंकिल भाई मैं चलाऊं, रहने दे सिंचन तो कहीं चला पाएगा, गिरा विरा और देगा। और गाइस जब तक यार हम लकड़ियां डिलीवर करने जा रहे हैं ना, आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। अरे यार फ्रेंकिल भाई गिरा यार, अबे यार सिंचन ट्रक कैसे गिर सकता है। अरे यार फ्रेंकिल भाई चलो गाता, जैसे गिर जाएगा ट्रक उसके बाद फ्रेंकिल भाई यार हमारी बहुत चोट लगती। अबे सिंचन तुझे पता है ये ट्रक कौन चला रहा है? मुझे तो नहीं पता फ्रेंकिल भाई ट्रक कौन चला रहा है। अबे सिंचन तेरा बड़ा भाई फ्रेंकिल ही तो चला रहा है, कोई टेंशन नहीं, बस तू बैठा रहा है, अभी फटाफट से पहुंचा देते हैं। देखियो सिंचन और कितनी दूर रह गया। अरे यार फ्रेंकिल भाई अभी तो हमें और दूर जाना है यार इन लकड़ियों को पहुंचाने के लिए, उसके बाद ही फ्रेंकिल भाई हमको वो हमारा बॉस पैसे देगा। हाँ सिंचन बहुत खड़ूस है यार हमारा बॉस। अब ये क्या हुआ सिंचन? अरे यार फ्रेंकिल भाई वो लकड़ियां कहाँ गायब हो गई? ओए सिंचन यार सच में यार वो लकड़ी तो गायब हो गई, आइए उतर के देखते हैं पीछे गिर गई क्या। नहीं यार फ्रेंकिल भाई पीछे गिरी नहीं है यार, वो गायब हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है सिंचन? अरे ये आग कहां से लग रही है? अरे बाप रे सिंचन हमारे ट्रक के अंदर आग लग गई, भाग सिंचन। अरे हाँ यार फ्रेंकिल भाई हमारे ट्रक में आग लग गई। अरे बाप रे यार इसमें अगर आग लग गई और ये जल गया फिर तो हमारा बॉस हमको पैसे भी नहीं देगा। अरे ये तो फट भी गया। अरे बाप रे फ्रेंकिल भाई ये ट्रक तो पूरा फट गया। अरे सिंचन भाई इसमें तो आग लग गई बहुत तगड़ी वाली, अब सिंचन हम अपने बॉस को क्या जवाब देंगे? यार मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है सिंचन, मेरे ख्याल से अब वो ना हमें पैसे नहीं देगा हमारी सैलरी के। अरे यार फ्रेंकिल भाई ऐसे कैसे पैसे नहीं देगा यार, इसका ट्रक हमने जानबूझ के तोड़ना पड़ा। सिंचन मेरे समझ नहीं आ रहा आखिरकार हुआ तो हुआ क्या, एकदम से यार लकड़ियां गायब हो गई और हमारे ट्रक के अंदर भी आग लग गई, हुआ तो हुआ क्या यहाँ पे? अरे यार मुझसे क्या पूछ रहे हो फ्रेंकिल भाई, तुम्हारे साथ ही तो मैं जब से बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, इनसे पूछता हूँ यहाँ पे ये आग बुझाने वाले आ गए। अरे बाप रे ये पुलिस वाला और गिरा के चले गया, कोई बात नहीं उठ जा तू, पता नहीं यार आज का हमारा दिन ही खराब लग रहा है सिंचन मेरे को, और क्या फ्रेंकिल भाई आज का दिन पूरा खराब है यार। चलो यार यहाँ पे ये आग बुझाने वाले तो आ गए, लेकिन ये आग क्यों नहीं बुझा रहे? अरे भाई टहल कैसे रहे हो, फटाफट से आग बुझाओ ना। अरे अपने काम करने दे तू, अपने काम कर। अरे बाप रे यार आग तो बहुत तेज लग रही है। अरे हमें काम करने दे, साइड हट जा, यहाँ पे आके टहल लाए। अरे भाई तुझे पता नहीं हमें कितनी प्रॉब्लम है। अरे सिंचन भाग यार, हमारे ऊपर भी आग लग जाएगी। अरे यार चलो यार फ्रेंकिल भाई अपने बॉस को बता के आओ कि लकड़ियां भी गायब हो गई और उनकी ट्रक में भी आग लग गई। अरे सिंचन इससे पूछता हूँ, ओए भाई मेरे को एक बात बताइए ट्रक में आग कैसे लग गई मेरे? ओए मुझसे क्या पूछ रहा भाई, मेरे से बात मत कर, मैं बात भागो भागो गुंडा है तो भागो। अबे मैं इसे कहां से गुंडा लग रहा हूं सिंचन, पता नहीं यार फ्रेंकिल भाई वो तो बड़ी तेज दूर भाग गया यार। छोड़ सिंचन उसको भागने दे, आजा चलते अपने बॉस को बताएंगे सब कुछ। अरे यार फ्रेंकिल भाई मेरे को तो डर लग रहा है वो कहीं हमारी सैलरी से पैसे ना काट ले। अबे यार सिंचन इसका ट्रक तो पूरा काला हो गया, कोई बात नहीं सिंचन आजा चलते हैं फटाफट से, यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले हैं क्या और उनसे पूछ लेता कि आग कैसे लगे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फ्रेंकिल भैया यार तुमने बहाना बना देना अपने जाके बॉस से, यू बोलना कि फ्रेंकिल भैया हमारे ट्रक में ना यार गुंडों ने फायर कर दिया, आजा सिंचन चलते हैं फटाफट से भगते भगते, हमारे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है जिससे हम जा सके। एक सेकंड वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक काम करता हूँ इनसे ही पूछ लेता हूँ आखिरकार हमारी लकड़ियां कैसे गायब हो गई। ओए भाई बात सुनो मेरी, अरे धक्के दे दिए मेरे को गिर गई मैं तो। अरे आंटी सॉरी वो गलती से धक्का दे दिया। चल कोई बात नहीं, ऐसे धक्के मक्की तो लगती रहती है। ओए भाई मेरे को एक बात बता, मैं जब यहाँ से अपने ट्रक लेके जाता हूँ उसमें लकड़ियां थी वो एकदम से गायब कैसे हो गई? पुलिस को कॉल कर दिया मैंने, है अभी बदतमीजी करने आया तुमसे। अरे भाई हम कोई बदतमीजी करने नहीं आए फ्रेंकिल भाई, वो भी भग गया यार। तू है तू हमसे बदतमीजी करेगा? अरे भाई तेरे से कोई बदतमीजी? अरे सिंचन ये तो मार रहा है मेरे को। अरे हाँ यार फ्रेंकिल भाई मार रहा है, तुम बोलो फ्रेंकिल भाई मैं मारूं इसको? नहीं सिंचन वरना तेरे को भी मान लग जाएगा। भाई क्या बात होगी, ये लोग क्या बात करने आए हमसे? अच्छा अभी बता दूं तेरे को, तेरे को डगी नाली में। अरे अरे सिंचन इसे तो मुंह पे ही घूसा मार दे। अरे यार बस कर भाई। अरे यार फ्रेंकिल भाई तुम भी मारो यार, कब तक पीटते रहोगे इससे? अभी तेरी अड्डी पसली तोड़ूंगा बेटा, ये ले घुसका अड्डी पसली तोड़ूंगा। अरे बाप रे ये ले घुसका लात बिका, बहुत बढ़िया सिंचन आखिर में मेरी जीत हुई। हाँ यार फ्रेंकिल भाई सही है यार, तुमने इसको मार दिया, बेफल तो मैं तुमको मार रहा था और तुमको यार नाली में उठाने को भी फेंकने को बोल रहा था, ऐसे कैसे फेंक देगा सिंचन नाली में? फटाफट से आ सिंचन चलते अपने बॉस के पास, उसे सब कुछ बता देंगे आज। अरे बाप रे मेरी तो हालत खराब हो गई भगते भगते, पिछले आधे घंटे से मैं और सिंचन बस भग ही रहे। चलो फाइनली यार मैं यहाँ पर तो पहुंच गया, अब यहाँ से ये लोग कूद भी गया। अरे बॉस कहाँ है तू? अरे यार ये तो दिख भी नहीं रहा। अरे बॉस मेरी बात सुन यार। अरे क्या कर दिया, गिरा दिया मेरे को बेवकूफ, लकड़ियां भिजवाने भेजे थे ना डिलीवर करवाने, अभी तक तू गया नहीं लकड़ियां डिलीवरी कराने। अरे बॉस मैं आपको क्या बताऊं, जो आपकी लकड़ियां थी ना वो एकदम से गायब हो गई, और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कर रहा, और आपके ट्रक में ना यार पूरे में आग लगी वो फट गया। अरे क्या कह रहे, मेरी लकड़ियां चोरी करवा दी तूने और ट्रक भी चोरी करवा दिया? अरे भाई कम सुनते हो क्या, वो मैंने चोरी नहीं करवाई, वो गायब हो गया। अरे मैं समझ गया तेरी सारी चालाकियां,
तूने मेरी महंगी लकड़ियां चोरी करवा दी बेटे। क्या तेरी सैलरी, तेरे दो लड़के थे ना तुम जिनकी सैलरी थी, तेरे 20,000 थे, उसके 40,000 थे ना, भगो यार तुम्हें 40,000 नहीं दे रहा मैं। अरे बाप रे यार, मैं क्या करूं, मेरे 40,000 रुपए। अब अगर मैंने सिंचन को बताया कि बॉस 40,000 रुपए नहीं दे रहा तो सिंचन तो यार बहुत ज्यादा रोएगा। ओए भाई मेरी एक बात सुनियो। अरे मुझे एक साथ सुनाएगा, अभी बता दो। अरे भाई धक्का क्यों दे रहे हो, मेरे को ये बताओ मेरा बॉस मेरे को सैलरी नहीं दे रहा। अभी आ जा तुझे मैं सैलरी देता हूँ, ये अलग हो जाएगा। अरे यार ये भी मुझसे लड़ने लग गया। अरे मैं थोड़ा सन की दिमाग का हूँ। अरे तुम सन के दिमाग के हो तो मेरे को क्यों मार रहे हो, हमसे बात कैसे करी बेटे, तूने हड्डी पसली तोड़ेंगे तेरी। अरे यार फेंगल भाई ये बुड्ढी लोग तुम क्यों क्यों मार रहे हैं, मुझे क्या पता सिंचन, मैंने देख इसकी टोपी उतार दी। अबे रुक जा, हम सन की लोगों को मारते हैं, पागल भी है। अरे यार फेंगल भाई भागो तुमको मारने के लिए आ रहे हैं यार ये तो। एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त को सब कुछ बताता हूँ, आखिरकार वो लकड़ियां ऐसे गायब कैसे हो सकती है और ट्रक में भी अचानक से आग लग गई, कहीं ये मेरी बॉस की साजिश तो ना हो, कहीं हमें सैलरी देना हो। चलो एक काम करते हैं, अपने दोस्त को कॉल करके बुलाता हूँ, वही मेरे को सब बताएगा आखिरकार।